दुष्यंत चौटाला की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दुष्यंत चौटाला छठे नंबर पर चल रहे हैं उचाना कला से, छठे नंबर पर। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का क्या हाल हुआ, हरियाणा में नहीं। दुष्यंत चौटाला बड़ी खबर है इस वक्त, अभी आप छोड़िए जम्मू कश्मीर को, दोनों चीजों दुष्यंत चौटाला छठे नंबर पर चलना, एक होता दूसरे या तीसरे पर रह गए, इन दोनों को भी जोड़े तो एक संदेश ये जाता है कि जो भी पार्टी अपने मतदाताओं को, अपने सपोर्टर को ठग के उनके साथ लगभग विश्वासघात जैसा करके, ऐसा कुछ आदर्श स्थिति ऐसी होती नहीं है कि कोई, लेकिन अगर आपने जो कमिटमेंट किया था ठीक उल्टा करके किसी एक पार्टी से सत्ता में चले जाएंगे तो जनता उनको, और खास करके बीजेपी के साथ ये दोनों दो पार्टियां जिन्होंने अपनी, और यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह, जो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सांसद रह चुके हैं हिसार से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अब वहां पे जाट नेतृत्व फिर से पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के पास है, ये दो चीजें इससे स्पष्ट होती है। पर क्या ये तो कांग्रेस में आप कह रहे जाट नेतृत्व पर तो सवाल उठने लगेंगे, क्या कांग्रेस के अंदर भी अब कुछ बदलाव के संकेत मिलेंगे हरियाणा में? देखिए अभी 72 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर खड़े किए गए। ये आपके प्रश्न का एक उत्तर कुछ शैलजा जी की शैली में दिख रहा था, जिस तरह से वो हंस रही थी, मुस्करा रही थी, तो वो कहीं दिख रहा था कि प्रश्न उठेंगे। कांग्रेस की पुरानी बीमारी की, अच्छा नहीं मने बढ़िया हो गया आप। नहीं यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, आप ना जीत में खुश होते हैं किसी की, 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, इमेजिन। और ये मुझे लगता है एक तरह से भारतीय प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है उस पर बहुत बड़ा भाई भी, दोनों भाई बहुत अच्छा साफ है, ये बाकियों को मैसेज लेना चाहिए, और भी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, कांडा भी पीछे चल रहे हैं, वो सुबह से पीछे चल रहे हैं, हालांकि बहुत बड़े 30 मार खां हैं अपने एरिया के, आप जानते ही हैं सारे, लेकिन 30 मार खां बनाने में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भूमिका निभाई, दोनों ने। जब 40 सीटें आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरे टर्म में, तो गृह मंत्री बना दिया था बिल्कुल, और पलकों पर बिछा कर रखा बिल्कुल बीजेपी ने बिल्कुल। मैं एक छोटा सा, हमारे अभी संवाददाता कह रहे थे कि क्यों हरियाणा का वोटर खड़ा हुआ मोदी जी को लेट डाउन नहीं होने देना चाहता था। हर राज्य में अलग अलग तरीके के पैमाने बन जाते हैं हमारे यहाँ। जम्मू भी एक ऐसी जगह है, मैं कंपैरिजन में कर रहा हूँ, ऐसी जगह है जहाँ पे जनसंघ के वक्त से बीजेपी, उस वक्त से भी ज़्यादा बीजेपी का वर्चस्व है। 6 या 7 बार लोगों ने वहाँ पे वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, DDC के इलेक्शन से लेकर और लोकसभा तक, लेकिन अब नहीं खड़े हुए। ये कारण वहाँ के अलग है, यहाँ एक ये कारण वहाँ था, वहाँ ये कारण था कि लोकली आपने जो प्रॉमिस किया वो नहीं हुआ, वहाँ अब सबसे बड़ा कारण जो बना वो था स्टेटहुड का, जिसने पहली बार, हालांकि डाइवर्स रीजन है जम्मू और कश्मीर, बातों पे किसी बात पे सहमत नहीं होते, स्टेटहुड के इशू ने दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दिया, और जम्मू में भी ये बहुत बड़ा एक आघात अपने प्राइड पे लिया गया कि स्टेट 370 पे, उस पर कोई डिफरेंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन स्टेटहुड को लेके और जो सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर वहाँ पूरा प्रशासन चल रहा था, उस पर भी बहुत सवाल उठे, मतलब वहाँ लोगों के अंदर नाराजगी की, अरे भाई निजाम बदला है या तरीका नहीं बदला, वही चीज चले आ रही है। संदीप, में आम लोगों से वहाँ पर बात करने का मुझे मौका मिला, और यही दिखा कि वो चाहते हैं कि अपने नुमाइंदों से वो बात करें, कि वो जाके एक सिविल सर्वेंट है, सरकारी ऑफिसों में घूम रहे हैं, तो उनको चाहिए था प्रतिनिधित्व करने के लिए, और आज जब MLA होंगे उनके पास। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, थोड़ा सा ये बंद कर दीजिए, कान में मेरा फोल्ड बैक आ रहा है, JP नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है, खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, अब बधाइयों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, और बीजेपी ने तो साफ कर दिया था मुख्यमंत्री का चेहरा उनके नायब सिंह सैनी ही है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं JP नड्डा। जी बिल्कुल, चूंकि जब भी ऐसी रिजल्ट नाते वो सब हालचाल देते हैं, जानकारी देते हैं, तो मेरी जानकारी में थोड़ी देर पहले ही JP नड्डा ने फोन पर नायब सिंह सैनी से बात की और उनसे पूरे हालात की जानकारी ली और इक्वेशंस के बारे में भी जाना कि क्या कैसे माहौल है, कुरुक्षेत्र में क्या हाल है, कब तक ये सारी चीजें सामान्य हो जाएंगे, तो फोन पर और क्या बातें हुई उसकी इंटरनल जानकारी नहीं रख पाएगी, जानकारी कैसे मिल पाएगी। अब कोई आप थोड़ा फोन टैपिंग करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी इस बारे में होगी, लेकिन देखिए एक प्रक्रिया शुरू हो गई है राखी, और अब
तीन घंटे आप मान लीजिए, ये आंकड़े स्टेबलाइज कर रहे हैं, बदलाव की कोई भी गुंजाइश आपको दिखती है? मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल, जहाँ तक आपका और हमारा अनुभव शायद यहाँ कॉमन ही होना चाहिए। और जिस तरह से आप ये देखिए कि बात हो रही है कि अध्यक्ष जो हैं वो मिल रहे हैं, सीएम से बात हो रही है मुख्यालय पहुँचने की पीएम की, तो ये सब ऐसे ही अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है। काफ़ी कॉन्फिडेंस अब उनका बढ़ चुका है ये देखते हुए कि वो बिल्कुल जीत के करीब ही नहीं, बिल्कुल उसके पास पहुँच चुके हैं बीजेपी। तो कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी फिल्मी लगती है। तीसरी बार सरकार बन रही है, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि संदीप 2014 में भी 47 सीटें थी, इस बार 49 है। और एंटी इनकम्बेंसी इतनी मतलब थी कि लोगों को, मुझे तो लगता है सुबह आप देख रहे थे बीजेपी लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, और जैसे जैसे फिर वो रुझान आए तो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे हैं ना। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका हरियाणा से ताल्लुक भी है। रोहन, अंदाजा था, अब देखिए जो जीता वही सिकंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जीत आप रहे हैं, साफ दिख रहा है वो आंकड़ा, लेकिन इसका अंदाजा था कि इतिहास रचने जा रही है बीजेपी तीसरी बार, लगातार तीसरी बार सरकार आज तक नहीं बनी हरियाणा में जो आप बनाते दिख रहे हैं। संदीप जी, पूरा चुनाव में वहां पे वॉर रूम में था, मेरी जिम्मेदारी थी वॉर रूम की, और जिस प्रकार से हरियाणा, आप भी वहाँ से और मैं भी वहाँ से हूँ, हरियाणा राज्य का जो चुनाव है उसको आप नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं ले सकते हैं। दो टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर तीसरी टर्म में होता है, इसका बहुत बड़ा मुझे लगता है मायने रखता है, क्योंकि हरियाणा है। दो तीन चीज़ें मैं आपको संक्षिप्त में संदीप जी बता दूँ कि जो जिस प्रकार से एक माहौल बना था लोकसभा चुनाव के बाद में, जो संविधान के नाम पर डिवाइड करके दलित वोटर के नाम पर एक माहौल कांग्रेस पार्टी ने अपनी फेवर में बनाया, पर जिस प्रकार से शैलजा जी का मुद्दा रहा, तब मैं क्योंकि जनता के बीच में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमता था, तो जनता का एक ही मुद्दा था कि अगर वो लोग संविधान की बात करते हैं और इतनी बड़ी नेता अगर नाराज है, उसको कोई मनाने का प्रयास नहीं होता है, साधने का प्रयास, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? आप भी जानते हैं 10 साल पहले जो जंगल राज की कांग्रेस की तस्वीरें, मिर्ची कांडो, गुआना कांडो, लोग भूले नहीं थे। कहीं ना कहीं संविधान के नाम पे उनको लगा थोड़ा वोट ट्रांसफर हुआ, वो वोट वापस बीजेपी की तरफ चला गया। दूसरी बात, उसके सामने 10 साल के बाद में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री चेंज किया, ये छोटी चीज नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपना छोटी चीज तो बिल्कुल नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का डर था ना, 9 साल 118 दिन बाद आप बदल देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं संदीप जी उसी पे आ रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो आज वही तो जनता का एक सेंटीमेंट था, ग्रास रूट पे लगा कि नहीं, 10 साल के बाद में हमको जो है सीएम करना है, कुछ जो इश्यूज है, जैसे अग्निवीर का इश्यू था, ठीक है, वहाँ पे किसानों का इश्यू था, ये सारे इश्यू को संवेदनशीलता से एड्रेस किया भाजपा ने। ये सारे 10 साल में जो काम हुए उसको जनता तक डोर टू डोर पहुँचाया। नायब सिंह सैनी जी ने 4 महीने में जो जो काम किए, नए जो प्रॉमिस दिए, उसको जनता तक पहुँचाया, एक सिंसियर एफर्ट था। और हरियाणा का चुनाव संदीप जी आप जानते हैं कि वो सीट टू सीट चुनाव है, आप उसको ट्रेंड नहीं बना सकते। फेल होने का रीजन है, ठीक है, मूल सवाल का जवाब नहीं दिया रोहन, बोलिए बोलिए। उम्मीद थी आपको 49 सीट आ जाएंगी, वो 30-31 नायब सिंह सैनी भी कह रहे थे कि नहीं, हमें बहुमत नहीं मिलेगी तो हम कोई ना कोई और रास्ता भी निकाल लेंगे। देखिए मुझे नहीं लगता है कि उस पर हम कमेंट करें, पर मैं आप हम जब मिलेंगे तब मैं मेरा आंकड़ा आपको दिखा दूंगा 52 का, ठीक है। चुनाव के 3 दिन पहले ये हमारा इंटरनल आकलन था कि 52 सीटों पे, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा 52, 48 प्लस 4 प्लस माइनस फाइट में थी, पर 52 सीट का हमारा व्यक्तिगत आकलन था कि 52 सीट पे भाजपा जीत रही। पंखुड़ी पाठक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं झिरका से, ये फिरोजपुर झिरका मेवात का इलाका है। नूह से कांग्रेस के आफताब अहमद 46,963 वोटों से जीते हैं, और मामन खान 97,763, मतलब 1,00,000 का मार्जिन, ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ एक आंकड़ा होता है विधानसभा चुनाव में कोई लगभग 1,00,000 वोटों से जीतता दिखे। लेकिन इस जीत के मायने कुछ हो भी पाएंगे क्या? पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं, 35 सीटों पर अभी भी अटके हुए हैं आप, और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि होडल से अब उदय भान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा दलित चेहरा, वो पीछे चल रहे हैं, 45 वोट से ही सही लेकिन पीछे चल रहे हैं। पंखुड़ी देखिए संदीप जी, जैसे हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं 1 बजे का समय है, अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं
जिनमें कई राउंड जो काउंटिंग है वो रह रही है और काफ़ी क्लोज मार्जिन्स हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को किसी भी नतीजे पे आने से पहले थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अभी भी हम बदलाव देख रहे हैं और 4-5 राउंड 6 राउंड 10 राउंड ये बहुत बड़ा एक गैप होता है जहाँ पे कि जो हार जीत है वो बदल सकती है, तो उसको लगातार हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। आपकी दुनिया तो कायम है, कभी आपने ऐसा पाया है कि 1 बजे जो ट्रेंड स्टेबिलाईज कर गई हो वो 3 बजे या 4 बजे बदल जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, जो देखिए जो ट्रेंड है उसको हम और लोग ट्रेंड में इजाफा हो रहा है। बीजेपी अभी 51 पर आ गई है, पार्टी आगे है, बीजेपी 51 पर, कांग्रेस 34 पर। वो रोहन जो कह रहे थे कि इनका अपना आकलन था 52 सीट आएंगी, उसकी तरफ जा रही है बीजेपी। पंकुड़ी देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी का आकलन रहा हो, जो जिस तरह का सेंटिमेंट हम लोगों ने देखा, जो जो हरियाणा के लोगों को जिस तरह अलग अलग मुद्दों पे अपमानित होना पड़ा, एक जो रोष जो बेरोजगारी को लेकर युवाओं का था, उन सब मुद्दों पे हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाने का काम किया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, और ये सारे मुद्दे लगातार हम लोगों ने उठाए। अब मंथन होगा, अगर जो ये ट्रेंड है आपके, जो ये ट्रेंड इलेक्शन कमीशन के और जो आपके चैनल पे भी दिख रहे हैं, अगर ये ट्रेंड नतीजों में बदलते हैं तो जरूर हम लोगों को मंथन करना पड़ेगा। कहां होती दिख रही है कमी रही, या अभी उसका एनालिसिस करना जल्दबाजी होगी, ये चूक कहां हुई? सब कुछ तो तश्तरी पर थाली में सजा हुआ था, सारे मुद्दे आपके लिए। डबल एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सरकार, मुख्यमंत्री को बदल देना, प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ 4 रैलियां की, किसान नाराज, युवा नाराज, बड़े बेरोजगारी का मुद्दा, फिर भी इतना बड़ा अंतर, वही 2019 के आंकड़े के करीब ही जा रही है। कांग्रेस 31 सीटें थी, अब 34 पर हो। मैं बिल्कुल संदीप जी आपकी बात को पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ कि ये सब जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे थे, हम लोगों ने उठाए, लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो एक अलग तरह की पिक्चर दिखा रहे हैं जिसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी, क्योंकि जो मुद्दे ग्राउंड पे थे उनको उठाने का हम लोगों ने पूरी तरह से काम किया। और मैं अभी भी कहूंगी कि हम ये मानते हैं कि किसानों में भी नाराजगी हम लोगों ने देखी, युवाओं में भी हमने नाराजगी देखी, बेरोजगारी का मुद्दा भी हम लोगों ने देखा, ये तमाम मुद्दे थे, इनको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही होगी। वो स्ट्रैटेजी बड़े नेता एक दूसरे को काटते दिखे क्या? हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप और रणदीप सुरजेवाला, ये लगातार आपस में क्रॉस पर्पस पर काम कर रहे थे क्या? देखिए, जितना जो मुझे मेरा मानना है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही काम किया। किसी की व्यक्तिगत किसी से नाराजगी हो सकती है, पक्ष किसी तरह में काम किया हो सकता है। ये दो नतीजे और आ रहे हैं, 51 पर बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया है। नूह से हमने आपको बताया, ये आफ्ताब अहमद 46,963 वोटों से, पुनहाना से 31,916 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि जींद से बीजेपी के मिद्धा, कृष्ण मिद्धा जीत गए हैं। पर आपस में ही ये कह रहे हैं एकजुटता, पंखुड़ी ताल ठोक रही है, एकजुटता थी या अपना अलग अलग रास्ते में चल रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता? देखिए, पार्टी आलाकमान मुझे बेबस दिखाई दिया। राहुल गांधी ने जिस तरह हुड्डा और सैलजा के हाथ मिलवाए थे, दिल नहीं मिले, हाथ ही मिले, दिल नहीं। अब सैलजा इतनी अनुभवी नेता, इतनी मासूम तो है नहीं, वो इतना ईमानदारी से बोलती कि देखिए मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, आप उसका राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं, मेरा दिल बहुत बड़ा है लेकिन दुखता भी बहुत है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो होता है एक वोट बैंक में मैसेज जाता है, खुलेआम बोल रही थी, पार्टी आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए था कि तो महत्वाकांक्षाएं हावी हो गई। और दूसरी बात, सारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री बनने की थी, कोई शैलजा बहुत नेक विचारों से कोई अपनी बात रख रही हो, महत्वाकांक्षा की बात थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मैसेज गया दलित समाज में, गलत मैसेज गया। एक दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ कि राहुल कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुई, नुकसानदेह साबित हुआ। दूसरा, राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया संसद में, एक बहुत बड़ा मैसेज गया था पूरे देश में, और हरियाणा के युवाओं में भी एक अच्छा मैसेज गया था। लेकिन टिकट बंटने के बाद जिस तरह कांग्रेस के 3-4 उम्मीदवारों ने खुलेआम कहा कि हमारे हिस्से इतनी नौकरी आएंगी, जिसको कहोगे उसको नौकरी लगवाएंगे,
तो जो बेरोजगारी का मुद्दा था उस पर सारा पानी फेर दिया इन उम्मीदवारों ने, उसके उम्मीदवारों ने पानी फेर दिया क्या। पर यहाँ पर अब ये भी हो जाता है जो जीता वही सिकंदर, उसकी सारी बातें बिल्कुल सही लगती है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रणनीति थी जिसके तहत तीन अलग अलग प्रमुख जातियों के तीन छत्रप कांग्रेस के पास थे, और जो देखें कि अब तो कह सकते हैं कि गलती हो गई, लेकिन उस समय का जो सिनेरियो था उसमें कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित यही चाल थी कि आप जो ट्रेंड रहा है कि जाट को नाराज करके, और वो जब 10 साल से देख रहा है, और एक उसके साथ वो विक्टिम कार्ड भी चल गया था कि उनकी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो जंतर मंतर पे घसीटी जा रही हैं, कोई नहीं बोल रहा है, और सत्ता के खिलाफ संघर्ष का वो प्रतीक बन रही थी, तो क्या वो जाट नेतृत्व को जो सबसे बड़ा है हरियाणा में स्थापित रहा है, वो नाराज था, इतना मुखर था, क्या उसको नेतृत्व नहीं स्थापित करती। दूसरा, जो कुमारी सैलजा अगर कह रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने से दुख होता है, तो बड़ा दिल नहीं हुआ, दो बात कह रही है, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रही है, दिल बड़ा है तो दुखेगा नहीं सिर्फ इसलिए कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं, सांसद का चुनाव क्यों लड़ा था? बिल्कुल, आप हैं तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? कहते हैं कि मैं सांसद का लड़ना ही नहीं है, मैं तो विधायक का चुनाव लड़ूंगी, इतना बड़ा दिल था तो वही करना, इंतजार करते, कुछ ही महीनों की बात थी, वो तो नहीं किया। और दूसरी बात कि स्वाभाविक तौर पर जिस तरह की पकड़ है पूरे प्रदेश में और जिस तरह का अनुभव है, उसके सामने में कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि हुड्डा उनके मुकाबले काफी आगे थे। ठीक है, रोहन गुप्ता कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? संदीप जी, मैं एक चीज महत्वपूर्ण ऐड करना चाहूंगा, जो अब एंटी इनकम्बेंसी हम बात कर रहे हैं, देखिए खर्ची पर्ची आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा था। जिस प्रकार से एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो बात की गई कई नेताओं द्वारा, तो लोगों का उसमें से विश्वास हट गया। और दूसरी का प्रदेश है ये दूसरा भी पहलू है रोहन, सबने दिए जो HPSC के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए भी पकड़े गए थे, खर्ची पर्ची सी और डी में नहीं चल रहा, और ए और बी में क्या चल रहा था, ये भी तो सवाल था ही। मैं वही कह रहा हूँ संदीप जी, अब नैरेटिव जब चुनाव होता है, जिस प्रकार से एक चीज को कोई नहीं नकार सकता है कि जिस प्रकार से पारदर्शिता से सरकारी नौकरियां हरियाणा में 1,40,000 दी गई, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है पूरे हरियाणा में उस नैरेटिव को, क्योंकि युवा को जो ट्रांसपेरेंसी थी लगा कि अगर कांग्रेस जिस प्रकार से नेताओं के बयान थे कि अगर आप आइए हमारे वहां से तो 50-60, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था ये उनकी फेवर में जिसको वो पाए। दूसरी बात मैं आपको वापस कह रहा हूं, जो जात के नाम पे तोड़ने की राजनीति थी कांग्रेस की, उसका जवाब भाजपा ने बहुत असरदारी तरह से दिया। चलिए वो तो जीत तो रहे हैं, अब ये बात तो रोहन जाट बहुमूल्य रोहन नहीं नहीं, इतिहास तो आप रच रहे हैं, पर मुझे ये बताइए आपके जो बड़े चेहरा है कैप्टन अभिमन्यु, एक समय में दूसरे सबसे बड़े चेहरा मनोहर लाल खट्टर के बाद नारनौद से पीछे चल रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता वो पीछे चल रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, आज बड़े नेता हैं, आज पूरी जब चुनाव में टिकट बांटी जाती है आपको एक बैलेंस करना पड़ता है, एक 10 साल का बहुत बड़ा टाइम होता है एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी सरकार उसके खिलाफ होती है, और उसको कैसे भाजपा को आता है ये कांग्रेस, ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, दिलचस्प खबर है जम्मू कश्मीर से, उत्पल भाई डोडा से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। बहुत बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि वहां से, मतलब हरियाणा में ताल ठोक रहे थे, हरियाणा से शिवानी से आते हैं अरविंद केजरीवाल, कोई नाम लेने वाला नहीं, सब जगह है जमानत जब्त होगी, पर जम्मू में डोडा में वो आगे, लेकिन वो 4,500 वोटों से वो मुझे नहीं लगता वहां से वो सीट निकाल पाएंगे, लेकिन 4,500 छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये सबके लिए एक हैरानी की बात होगी। लेकिन मैं हरियाणा पर आना चाहता हूँ, मैं पहले इस पे कमेंट ले लूंगा। नहीं, हालांकि ये बात सही है कि उनकी सभा में भीड़ बहुत, और ये आखिरी राउंड है डोडा का, अभी काउंटिंग का भीड़ काफी दिखाई दी थी। ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं डोडा से, ये राज मलिक की, उनकी सभा में भीड़ तो काफी हमें दिखी थी जब उस दौरान मुझे भी मौका मिला रीजन में जाने का, तो ये लेकिन देखना होगा अभी कि किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी कमाल है उत्पल भाई, देखना शाम तक। और वो कहेंगे देखो हमारी सरकार दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान, वो गुजरात में हमने जीत लिया,
और अब हम जम्मू कश्मीर भी पहुंच गए। बड़ी अचीवमेंट आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि हरियाणा में उन्होंने कुछ नहीं जीता, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं हरियाणा पर, वो ये है कि शैलजा मैडम को पूछा गया पिछले हफ्ते कि आप हुडा साहब से कब मिले थे, उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। तो किस तरीके से कांग्रेस यूनाइटेडली वहां लड़ रहा था, कांग्रेस यूनाइटेड नहीं लड़ रहा था। उसके अंदर एक और बात जुड़ जाती है, चुनाव से ठीक एक दिन पहले जब प्रचार खत्म हो रहा था वो प्रचार में दिखती नहीं है अनिल भाई, और सोनिया गांधी से मुलाकात होती दिखती है, फिर वो ANI को इंटरव्यू देती हैं कि भाई आला कमान मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ। तो आला कमान ने भी मतलब सबको गुड ह्यूमर में रखने की खामखां कोशिश की। देखिए एक बात, उससे रायता फैला। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पिछले 10 साल से राजनीति में साइकोलॉजी और ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब, ये लोग तो बहुत समझ गए, इसको स्टडी करके इस पर मास्टरी हासिल कर ली। कांग्रेस को इन दोनों चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं। मझधार में डिफरेंसेस थे, हुड्डा और शैलजा और सुरजेवाला कभी इकट्ठे हुए नहीं। नहीं तो बीजेपी में भी तो डिफरेंसेस थे, लेकिन पोस्टरों से हटा दिया गया ना मनोहर लाल खट्टर को, मैनेज करना आता। रामविलास शर्मा को अकेले एक वाहिद शख्स 80 के दशक में जो झंडा था का आंडा करता बीजेपी का, उसको टिकट नहीं दी, लेकिन वो रोते दिखाई दिए। मैं एक बात और कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि रामविलास पहुंच गए मोदी जी से मिलने और मोदी जी या शाह साहब या नड्डा ने मिल लिया। यहाँ तो सोनिया गांधी, इंद्रजीत भी कह रहे थे कि भाई कुछ काम नहीं, गड्ढे हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, हम जीतेंगे कैसे। समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि सोनिया गांधी शैलजा जी से एकदम से मिलने को तैयार हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, आप गुप छुप के भी मिल सकते थे, ऑप्टिक्स का ध्यान रखना चाहिए। और वो प्रचार में दिखी नहीं रही है। हाँ जी बिल्कुल नहीं। और सुरजेवाला भी अपने घर बैठ गए, इलाहाबाद पहुंचने वाली थी, वहां पता लगता है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। एक बात और, मैं वो डोडा वाले कैंडिडेट पे एक बात कर रहा हूं, प्लीज। आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, खासकर जम्मू में। तो शाम की मैं खबर आपको बता दूं, बीजेपी की श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी हैं, सांसद भी ये रह चुकी हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, 9472 वोट से आगे हैं। उनका बिल्कुल साफ सफाई हो गई थी, कुछ नहीं था। हालांकि इनका जम्मू में जो हेडक्वार्टर ऑफिस बनाया था उस पर मालिक ने ताला लगा दिया कि रेंट नहीं दे रहे थे। ये हुआ ताला, सारी पार्टी निपट गई। अब ये कैसे जीते? कुछ ऐसी सीट्स हैं, खासकर डोडा में भी 2 सीटें हैं, डोडा की 3 सीटें हैं या 2 हैं, जो पर्सनल वर्चस्व है या फैमिली डोम है, जो उनमें एक ये भी सीट है। दूसरी बगल की सीट है, वो अब्दुल मजीद वानी है, वानी परिवार का बहुत बड़ा वलवला है, वो भी लड़ रहे हैं गुलाम नबी आजाद। रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं, सुबह से पीछे चल रहे हैं। ये क्या कहता है, ये कहानी क्या कहता है? वो ये पिछली बार भी वो कुछ 100 वोटों से जीते थे, ये पिछली बार भी कुछ 100 वोटों से जीते थे। इस बार ये मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, ये वहाँ पे प्रचलित था, मैं तो अभी 1 महीना रह के आया। एक चीज और बताइए अनिल भाई, और ये शायद अब सही वक्त शायद नहीं है, अभी राव नरबीर के साथ मेरे सहयोगी हैं, क्या कह रहे हैं राव नरबीर? बीजेपी जो उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है नरबीर का? बिल्कुल संदीप जी, अब साफ हो गया है कि बादशाहगढ़ का बादशाह कौन है, और मेरे साथ में बादशाहगढ़ के बादशाह मौजूद हैं, नरबीर जी। बिल्कुल ठीक साबित हुआ सर। मैं तो उससे जीवन संभाला, तब से सेवा में लगा हुआ हूँ, और ये पारिवारिक देन है, जब से दादाजी, परदादाजी, पिताजी सब ने सेवा करी, और आज उसका नतीजा भी है कि ये चुनाव मैंने लड़ा, यहाँ की जनता ने लड़ा, डाली दक्षिण हरियाणा के लोगों की दुआएं और उनका समर्थन। सर यहाँ पर डिप्टी CM जय हो, डिप्टी CM आप बनने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, वो तो पार्टी फैसला, तो क्या तो मैं नहीं कहता, लोगों का अपना अपना उत्साह होता है, लेकिन लोगों ने मुझे जिताया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे अहिरवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने तकरीबन सीट। तो बादशाहपुर से राव नरबीर बढ़त बनाए हुए, और अब उप मुख्यमंत्री की बातें भी आने लग गई, आपको जोड़ना चाह रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर को लेके तमाम भाजपा के नेताओं ने कई बार बातें कही, मैं कहता हूँ भाजपा में कश्मीर को लेके जो नीति थी उसको अगर देखें तो वाजपेयी का जो डॉक्ट्रिन था वो किस तरह, और उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आप 370 हटाएं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत।
तो जमहूरियत को आपने थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया, कोर्ट ने जब बिल्कुल डेडलाइन दे दी तो चुनाव हुए, बहुत अच्छे हुए और दुनिया में इस बात का की तारीफ होगी कि बहुत अच्छी वोटिंग हुई। जमहूरियत और कश्मीरियत पे ध्यान देना होगा, अगर आप 5 विधायक जो कि वोटिंग कर सके, आपने मतलब खेल के नियम ऐसे वहाँ वहाँ अभी खेल में कुछ इसके इसको लेकर खेल हो सकता। 48 पर है कांग्रेस एनसी, पीडीपी भी 3 है, 48 का आंकड़ा हो जाता है 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ। जी जी बिल्कुल, एक खेल हो सकता है, इसीलिए तैयारी की जा रही है कि प्री मैच्योरली 5 नॉमिनेशंस अनाउंस कर दी जाएं। एलजी को राइट दे दिया गया है कि नोटिफाई कर दें, वो करेंगे भी शाम तक हो सकता है, इसीलिए उसकी तैयारी की जा रही है कि आगे का खेल क्या करना है। मैं ये जो कह रहा हूँ, इन्होंने वाजपेयी डॉक्ट्रिन की बात की, देखिए कोई भी डॉक्ट्रिन बीजेपी लगा लेती, बीजेपी को कश्मीर में मेरी एक जानकारी, मैं इशू पे आने वाला हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए, वो होने वाला नहीं है। हुआ क्या है कि जैसे उत्पल जी ने इंगित किया था शुरू में, बीजेपी ने जो अपनी जमीन थी, जो अपना गढ़ था, दे हैव लेट डाउन जम्मू, दे हैव लेट डाउन कश्मीरी पंडित्स, दैट इज व्हाई दे आर इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, के भाई इनका अपना आंकलन था 25 से 27 सीटें। एक जानकारी की तस्दीक अगर आप कर सके, वो बड़ी दिलचस्प लगी थी। अब हर एक उम्मीदवार को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होती है, रविंद्र रैना ने 1500 रुपये बताया था और कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही भक्कड़ किस्म के इंसान है, 1500 रुपये में मुझे झटका लगा। अब देखिए जो एफिडेविट में है वही मानना पड़ेगा, देर कई तरीके हैं नाक और कान को पकड़ने के, कुछ चीजें हैं यहाँ पर चलित, कई चीजें बड़ा उलट फेर हुआ है हरियाणा में। अब रुझान मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ, 3.5 घंटे हो गए हैं, 48-50-51 पर, यानी कि बहुमत के 46 के आंकड़े से लगातार ऊपर बनी हुई है, डटी हुई है बीजेपी, और कांग्रेस 35 के आसपास ही घूमती दिखाई दे रही है। और उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में कांग्रेस के, अब उन्होंने होडल से अपनी बढ़त बना ली है, पर अब ये बेमानी सा होता जा रहा है, एक इक्का दुक्का ऊपर नीचे, ट्रेंड नहीं बदलने वाली है, मुश्किल है अब तो, क्योंकि जितनी सीट पे मान लीजिए 2-3 हज़ार से करके मार्जिन की सीटें, बीजेपी जितने पे आगे है उतने से कांग्रेस भी आगे है, मतलब तो ट्रेंड तकरीबन यही रहेगा, बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल, अगर ये चुनाव भी नहीं जीते तो लीडरशिप को लेकर भी सवाल, कौन होगा ये तो अब आएगा ही सवाल। नहीं, सवाल में कंफ्यूजन भी बहुत है, आप हुड्डा परिवार को दरकिनार भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके बहुत सारे, मतलब इतना बड़ा है, पर हुड्डा तो हो गए 77 साल के, तो अब वो दीपेंद्र रणदीप शैलजा इनमें, ये है कि दीपेंद्र हुड्डा को आगे किया जा, दरकिनार नहीं कर सकते, अगर दरकिनार करेंगे तो भी भूल होगी, लेकिन नॉन जाट वोट कैसे हासिल किया जाए जाट लीडरशिप के साथ, दीपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप के साथ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना होगा कि किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस चुनाव में मुझे लगता है कि अति उत्साह ने जो वोकल समर्थक था, वीडियो काफी वायरल हुए थे, आपने देखा होगा शैलजा के बारे में हुड्डा समर्थकों के बयान, उम्मीदवारों के बयान, तो बड़ा नुकसान किया है। तो इसमें ना देखिए, वो दूसरी तस्वीर को हम नजरअंदाज कर दें क्या, राव इंद्रजीत क्या कह रहे थे, मैं क्या हमेशा से ही केंद्र में राज्य मंत्री बना रहूंगा, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिलता है, गड्ढे हैं, बिजली नहीं आती, फलाना दिखड़ा, जीतेंगे कैसे इरवाल में, मन मुख्यमंत्री क्यों ना बनाते, अनिल विज भी यही बात कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही यूनाइटेड हाउस था बीजेपी का भी, वहाँ भी जूते खूब बाज रहे थे, यूनाइटेड हाउस तो नहीं था, लेकिन नॉन जाट में बीजेपी ने पकड़ बनाई है पिछले 10 साल में, इसे कांग्रेस को स्वीकार करना होगा और उसी आधार पर अपनी आगे की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़े आत्ममंथन की जरूरत है मुझे लगता है। अब अमित शाह ने भी बात की है नायब सिंह सैनी से, नायब सिंह सैनी सडनली हॉट प्रॉपर्टी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग सोच रहे थे कि बड़े उनके बारे में तंज कसे जा रहे थे, वो अब वो जो तंज वापस लेने होंगे, तो फोनों का सिलसिला दे, या हीरो एक्चुअली। लेकिन ये जो बात आप कह रहे थे वो उसको थोड़ा सा उठाना चाहूंगी कि कहते ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात कांग्रेस में जरूर नजर आई। और आप जो कह रहे थे कि नहीं बीजेपी, लेकिन नहीं, यहाँ फर्क ये है कि बढ़ चढ़ कर आप आगे उठकर सबके नजर आ रहे थे, अलग अलग सूर, चाहे वो शैलजा जी, सुरजेवाला, हुड्डा फैमिली, ये वो, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गई थी उनकी सारी। और लास्ट में आपने देखा जो आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दिल नहीं मिल रहा, दिल तो नहीं, और वो हाथ भी सही ढंग से नहीं मिल पा रहे।
पर इन नतीजों में बीजेपी बढ़त तो बनाए हुए है पर चार मंत्री बीजेपी के हारे भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि शुरू से इन्होंने ये भी किया था कि जो विनेबल सीट्स करेंगे उनको ही दी गई है टिकट, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में अपने आप में ये वो मान के चलते हैं कि जो नहीं अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके लिए वो उसको आगे नहीं बढ़ाते और जो प्रदर्शन करेगा उसी के लिए वो आगे। पर अनिल आर्या, इसमें बीजेपी कांग्रेस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीजें और हो रही हैं हरियाणा की राजनीति में। अभय चौटाला पीछे, दुष्यंत दिग्विजय दोनों भाई, दुष्यंत तो छठे नंबर पर, तो एक परंपरागत राजनीति हरियाणा की जो कुछ पहचान बनी हुई थी, हरियाणा के तीन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, उनका परिवार, एक हुड्डा परिवार, अब वो जो राजनीति के खंभे बने हुए थे हरियाणा में या टॉकिंग पॉइंट्स थे, अब वो बदलते दिख रहे हैं इसमें। देखिए अर्जुन चौटाला तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि परिवारों की राजनीति खत्म हो गई है। नहीं, वो खत्म नहीं होगी, पर जो पहचान जैसी थी पहचान, वो पहचान धुंधली हो गई। लेकिन एक उम्र के साथ और एक वक्त के साथ बदलाव तो आता है। अब नई पीढ़ी अगर सामने आ रही है, जैसे कुलदीप बिश्नोई के बाद भव्य बिश्नोई फ्रंट पे आ गए हैं और इस इलेक्शन के बाद दीपेंद्र हुड्डा फ्रंट पे होंगे, तो मुझे लगता है जैसे अजय चौटाला के बाद दिग्विजय और दुष्यंत फ्रंट पे आए थे, वो 11-4 साल जो बीजेपी के साथ रहे उसका नुकसान उनको हुआ, सीधा सीधा जाट उनके खिलाफ हो गया और नुकसान हुआ उनको। अब अगर अभय चौटाला हार रहे हैं, अर्जुन चौटाला आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला टाइम अजय करण और अर्जुन का होगा। वहाँ जो राव इंद्रजीत सिंह का था, उनकी कोशिश थी कि आरती राव उनकी विरासत को संभाले, वो 75 का एक परिवार का एक हिस्सा तो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल खत्म ही होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दुष्यंत और दिग्विजय की बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो अप्रासंगिक हो गए हरियाणा की राजनीति में, रहेंगे अगली बार। आप जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभय चौटाला की पॉलिटिक्स का भी वक्त भी बीत गया है। मतलब इतनी एरोगेंस के साथ आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। अब बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला हरियाणा में आगे रहेगा, ऐसा मुझे दलों के दिन लग गए। दुष्यंत चौटाला एक उभरते हुए सितारे थे पिछले चुनाव में, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि राजनीतिक सुसाइड कर लिया अपना, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो जाट और किसान था। किसान आंदोलन में अजय चौटाला का एक बयान आया कि एक और बीमारी पैदा हो गई आंदोलन, तो इस तरह के बयान, और उसके बाद इस चुनाव में नैना चौटाला का एक बयान आया, अनूप धानक के बारे में उन्होंने बयान दिया कि उसकी शक्ल ही काले नाग जैसी है, तो ऐसे बयानों ने एक आत्मघाती काम किया है। और जो काम किया, अब डिटेलिंग क्या निकल कर आ रही है, चुनाव क्या कह रहा है, हरियाणा का जबरदस्त उलटफेर है, सारे एग्जिट पोल धड़ाम, हमने पत्रकारों का भी एक पोल किया वो भी धड़ाम, क्या खबर निकल कर आ रही है, ये नतीजे, इतना बड़ा उलटफेर कैसे हुआ है? मैंने भी कल आपको शो में डाटा दिया था, हमारा भी धड़ाम हो गया। हाँ। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप अभी जो आप बात कर रहे थे कि 2 सीटें NLD को मिल रही हैं, पिछली बार JJP को 10 सीट आई थी, उम्मीद आज JJP की सीट 10 इसलिए आई थी क्योंकि वो एंटी BJP वोट था, उनको लोगों ने BJP को हराने के लिए वोट दिया था। इस बार उम्मीद ये थी कि JJP का जितना कोई सीट नहीं आएगी, लेकिन NLD का वो थोड़ा वोट ट्रांसफर होगा जाटों, वो जो वो जाएगा कांग्रेस के खाते में। नहीं नहीं, वो हुआ नहीं, लेकिन NLD और नीचे बैठ गई। तो एक चीज़ क्लियर है कि हरियाणा के लोगों ने दो पार्टियों, नेशनल पार्टीज को चूज किया, नंबर वन। नंबर टू, दलित वोट बैंक जो था कांग्रेस पार्टी का, जो पिछले 20 से 22 साल से हरियाणा की जो कांग्रेस है जिसका अध्यक्ष दलित ही बनता है, अभी भी दलित है, पिछली बार भी कुमारी शैलजा थी, वो वोट बैंक छिटक गया। अब छिटका, हाँ उसमें भी आ रहा हूँ, इसका मुझे बड़ी वजह लगती है, आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, बिल्कुल युवा, मुश्किल 25 साल पार किया है, जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 8183 वोटों से कैथल से जीत गए। पिछली बार मेरे हिसाब से 1200 वोटों से रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए थे। ये आदित्य सुरजेवाला रणदीप के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे नहीं है। तो इनको भी इस बार राजनीति में लाएगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने फैसला किया कि हम अपने सांसदों को मैदान में नहीं उतारेंगे। पर हम आ रहे थे, ये आंकड़ा जो आया, एक तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ जैसा उम्मीद थी कि भाई JJP खत्म होगी तो वो उसको जो पड़ा था वो ऑब्वियसली भाई कांग्रेस को चला जाना चाहिए, वो उतना नहीं जाता दिखा, कांग्रेस को भी नहीं, NLD को भी नहीं गया। कमाल की बात तो ये है। दूसरा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग समय लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो 20-22 साल का दलित वोट बैंक था, जो संविधान के मुद्दे पे 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में दलित वोट पड़ा था, वो हरियाणा के चुनाव में इनका अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो वोट छिटक गया। अब वो क्या वो शैलजा फैक्टर एक बड़ी नाराजगी की वजह है? नहीं, इसके दो वजह है, शैलजा फैक्टर तो है ही है, दूसरा फैक्टर ये है कि जब चुनाव जाट गैट जाट हुआ
तो जो दलित वोट बैंक था वो गैर जाट में तब्दील हो गया। उसने अपने आप को दलित नहीं माना। अब मैं उसको डर कहूँ, मैं उसको कांग्रेस पार्टी का एक एग्रेसिव कैंपेन कहूँ, या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा दिखाया जिससे ये पोलराइजेशन हो गया। और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चार दिन आखिरी भाई पूरा जोर लगा दिया राहुल गांधी ने, भी काम नहीं आया? नहीं, राहुल गांधी ने जोर लगाया क्योंकि उन्होंने कोशिश करी कि मैं बीजेपी के गढ़ में जाऊं, उसको तोड़ूं, पूरी कोशिश हुई। लेकिन गैर जाट वोट इतना साइलेंट होगा किसी ने सोचा ही नहीं था। कोई ऐसी सर्वे, कोई ऐसा डाटा हमारे पास नहीं था जिससे हम ये कह सकें कि ये गैर जाट वोट है, वो इस बार साइलेंट है। इतना ज़्यादा पोलराइजेशन तो पिछले 10 साल में नहीं होना, 14 में हुआ। अभी कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, लाडवा से जीत गए हैं नायब सिंह सैनी, या बल्कि मैं कहूं बढ़त बनाए हुए हैं, औपचारिक ऐलान जैसे ही होगा वो भी हम आपको बता देंगे। वहीं मौजूद है मेरी सहयोगी मधिया, और मधिया क्या है सूरत हाल वहां पर? बाछे खिली हुई होंगी शरीर के जिस भी हिस्से में हो, बीजेपी कार्यकर्ताओं की? बिल्कुल, मुस्कान इस वक्त काफी कुछ बयान कर रही है इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, और वही माहौल इस वक्त दिख रहा है क्योंकि रुझान जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं इस वक्त बीजेपी के फेवर में, तो उससे जो तस्वीर है वो यहाँ बड़ी होती हुई दिख रही है। तस्वीर अब जश्न की होती हुई दिख रही है। नायब सिंह सैनी के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, और जरा ये देखिए, बोलना शुरू किया और बस यहाँ पर जो नारेबाजी है वो शुरू कर दी है कार्यकर्ताओं ने। खुशी में जश्न जो है मना रहे हैं, और अभी मैं बताऊं कि रुक रुक के आतिशबाजी जो है वो भी हो रही है। रुझान आप लोगों के फेवर में अब तक दिख रहे हैं, काफी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के सभी वोटर्स का जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार और माननीय नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर को बहुत बहुत बधाई। तीसरी बार सरकार बनती हुई दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। बिना के कार्यकाल से जनता ने खुश होकर भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी को दोबारा CM चुना है। ये देखिए, अब हम घर के अंदर की तरफ लेके चलते हैं नायब सिंह सैनी के। देखिए यहाँ पर जो घर पे उनके समर्थक हैं वो यहाँ जुटना शुरू हो गए, और जाहिर सी बात है भीड़ है, लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस ओर देखे उस ओर लोग समर्थक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये बताइए कि अभी जो रुझान आपके फेवर में दिख रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों के बीच में? क्या खुशी है? बहुत भारी खुशी, हम बयान नहीं कर सकते, हमें इतनी खुशी है। मैडम देखो, हमारे अड़के से नायब सैनी जी इलेक्शन लड़े, और ये बहुत सौभाग्य की बात है जी कि यहाँ इतने सालों बाद CM का चेहरा यहाँ हड़के में आया है। ये सारे हड़का वासियों के लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, उत्तर हरियाणा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। नायब सैनी जी हर बच्चे के दिल की। क्या लगता है क्या वजह थी कि बीजेपी जो है इतनी बड़ी बढ़त जो है वो बनाती हुई दिखती है, और आगे हो सकता है आप लोग अभी सरकार में? बीजेपी ने चाहे वो युवा वर्ग को, बुढ़ापा हो, उनके लिए सबको 70 साल से ऊपर को लिए 10 लाख रुपए का जो बीमा राशि दी, और बिना पर्ची बिना खर्ची जो उन्होंने हरियाणा के अंदर युवाओं के अंदर नौकरी के देने का काम किया, जिसके लिए उन्होंने यहाँ भारत हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हर बार नायब कार्यकर्ताओं के बीच में हूं, और यहां पर कार्यकर्ता अपने अपनी तरह से अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो वहीं और अगर आगे लेके जाना चाहूं मैं, थोड़ी जगह दीजिए, आगे जाने दीजिए, जरा तस्वीर दिखाने दीजिए। ये देखिए जरा, यहाँ पर भीड़ है जी। आप बताइए क्या कहेंगे अभी जिस ABP न्यूज का धन्यवाद, और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, जय श्री राम, जय श्री राम, हो भले, आशीर्वाद निहाल। तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर, 50 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए बीजेपी लगातार तीसरी बार, यह इतिहास रचा जा रहा है। बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, अब कुछ ज्यादा बदलाव होते नहीं दिखते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जुलाना से, कांग्रेस की विनेश फोगाट, वो 100 ग्राम वजन जिसने 140 करोड़ भारतवासियों का दिल तोड़ दिया था, मेडल नहीं मिला था पहलवानी में, और पहलवानी के दंगल से राजनीति के दंगल में उतर गई थी विनेश फोगाट, कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से
चुनाव विनेश फोगाट जीत गई है लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। और इतना आप रिसर्च कर रहे हैं, अभी अभी अंबाला भी चलेंगे पर पहले दिबांग ने क्या रिसर्च की है, मैं ये अभी बता रहा हूं। और आंकड़ों में क्या आप निकाल कर रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि करीब 5000 से कम की लीड वाली बीजेपी की अभी भी 14 सीटें हैं जो उन्हें कन्वर्ट करनी है। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ, 2 सीटें अभी घोषित हुई हैं, 2 बीजेपी की और 1 कांग्रेस की हैं। और कांग्रेस के पास अभी 11 सीटें हैं जिनमें जो आंकड़ा है वो 5000 से कम का है। और ये आंकड़ा कांग्रेस का थोड़ी 11 और 14, 25 सीटें अभी अभी, यानी कि आप कह रहे हैं और आपका तजुर्बा ये नसीहत सलाह दे रहा है कि थोड़ा और रुकना चाहिए। करीब 15 सीटें थी कांग्रेस की 5000 से कम आंकड़े वाली, वो अब 11 रह गई हैं। और अगर आप बीजेपी का देखें तो वो 12 थी, वो अब 14 हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें अपने चैनल पर भी, शुरू से हम लोग जो वो ट्रेंड्स आ रहे थे उस पर थे, और जब मैंने देखा कि नहीं चुनाव आयोग का तो आंकड़ा कुछ और बन रहा है, तब हम चुनाव आयोग के आंकड़े पर उतरे। शुरुआत में तो एंकर मुझे बोलने नहीं दे रहे थे पर धीरे धीरे मुझे टाइम मिला अपनी बात कहने का। और अब देखिए अल्टीमेटली यही हुआ कि बीजेपी आगे है और इस समय जीती साफ दिखाई दे रही है। वो सम्मान वो पर मैं पूरा टाइम मैं ही देता हूं आपको दिबांग। बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए मैं आपसे अपने दिल का दुखड़ा भी बता रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं बता पर मैं ये देख रहा हूं। आपकी इजाजत से मैं एक सेकंड अंबाला लिए चलता हूं अपने दर्शकों को। और अंबाला में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अनिल विज, अंबाला कैंट, वहां पर बड़ी सीट अटकी हुई है, क्या चित्रा सरवारा कुछ खेल कर सकती हैं क्या? कोई खेल नहीं हुआ। अनिल विज धमाकेदार जीत की तरफ अग्रसर है। मेरे सहयोगी सचिन है वहां पर। सचिन, क्या अनिल विज से बात हो पाई? और मुख्यमंत्री की बात अभी ओपन एंडेड रखी हुई है उन्होंने या नायब सिंह सैनी को सब बात कर रहे हैं? वो जेपी नड्डा भी बात कर रहे हैं, अमित शाह भी बात कर रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री की बात तो जो है अनिल विज ने ओपन एंडेड रखी है, पर यहाँ जो अनिल विज के समर्थक हैं वो कैसे जश्न मना रहे हैं। जो शुरुआती ट्रेंड थे इस सीट पे वो बड़ा क्लोज कंटेस्ट लग रहा था, पर अब जैसे जैसे काउंटिंग प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, अनिल विज का जो फासला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो लगातार बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल है। हालांकि अनिल विज ने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बात कही थी वो उसके कारण है अभी या नहीं है वो उनसे बात करके पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने तमाम जो ट्रेंड्स थे उनको धत्ता बताते हुए जो है हरियाणा में जो है ये जीत की और बढ़ रही है बीजेपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम समर्थक जो हैं अनिल विज के जो हैं यहाँ पे बिल्कुल जश्न का माहौल है हमारा कैंट जीत के ऊपर। और 7वीं बार विधायक बनने की तरफ अनिल विज जा रहे हैं। और अनिल विज का हमने स्टाइल ऑफ कैंपेन भी देखा, वो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, जैसे जिस दिन पोलिंग थी उस दिन भी हमने देखा जैसे तमाम नेता घूमते हैं कंस्टिट्यूंसी में, पर अनिल विज उस दिन भी जो है वो रिलैक्स नजर आ रहे थे। तो आज यहाँ पे शुरुआती जो क्लोज टेस्ट था उसके बावजूद अनिल विज जो है लगातार अब जो उनकी लीड है चित्रा दोबारा से उनसे लगातार बढ़ रही है। और समर्थक अनिल विज के आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल, पर ये लीड जो है लगातार बढ़ रही है। 8वें राउंड के बाद जो है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डाटा शेयर किया गया है उसमें 2466 वोटों की लीड है और ये लगातार बढ़ रही है लीड। तो अनिल विज जो है लगातार जश्न जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जश्न जो है यहाँ पे उनके समर्थक जो है वो मना रहे हैं। और तमाम जो प्रयास थे जो एग्जिट पोल थे उन तमाम को जो है एक बार फिर से सत्ता। तो अंबाला कैंट से आप तस्वीरें देख रहे हैं अनिल विज के समर्थकों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश है। और जोश हो भी क्यों ना भाई, लगातार तीसरी बार वो सरकार बना रहे हैं। और इस बीच मेरी सहयोगी निधिश्री, उनके साथ सुहासिनी है शरद यादव की जो बिटिया हैं, ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो ये रुझान आ रहे हैं,
बड़ी कहानी क्या बयां कर रहे हैं निधि, क्या कहना है सुहासिनी का? बिल्कुल, सुभाषिनी से ही ये सवाल पूछ लते हैं। सुभाषिनी जी, आपने देखें अभी तक, आप लगातार टीवी स्क्रीन देख रही हैं, क्या कहेंगी जो अभी तक रुझान आ रहा है और जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत खुद ही शॉक्ड हूँ। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड मुझे कहीं ना कहीं जो अभी हमारी पार्टी ने रेज भी किया है क्वेश्चन, दैट जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीमी चल रही है, इस पर भी संशय बना हुआ है कि ऐसा क्या कारण है, क्योंकि 2024 के आम चुनाव ठीक 6 महीने पहले थे और उनके परिणाम आने में और इस छोटे से चुनाव के, छोटी स्टेट के परिणाम आने में बहुत देरी और तब्दीली हो रही है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है, जनता बदलाव चाह रही थी कि बीजेपी हटे सत्ता से, बट इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं तो ज़रूर मंथन करने की ज़रूरत है और इस चीज़ की समीक्षा करी जानी चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा। और अभी भी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कम से कम 20 से 27 सीटों पे जो मार्जिन है वो 500 से 1000 के बीच में है, कई सीटों पे तो 50, 60, 70 से भी आगे पीछे हम लोग चल रहे हैं, और जो अभी भी हमारे डिक्लेयर हुए हैं कैंडिडेट्स वो काफ़ी हद तक जीत भी चुके हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया जिसमें आपने लिखा कि बहुजनों को साथ लेकर चलना होगा, शुरुआत और अंत यही है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सामाजिक न्याय की राजनीति और विचारधारा से ताल्लुक रखती हूँ, और जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संविधान का मुद्दा उठाया, बहुजनों को सबको साथ लेकर समानता की बात करी, उसी के आधार पर हमने आम चुनाव के नतीजे भी देखे जहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मजबूती से संविधान को उठाकर एक लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब इस तरह के नतीजे आ रहे थे सुबह हम आश्वस्त थे, हम एक तरफ आपके मीडिया चैनल्स के जरिए हम लोग देख रहे थे कहाँ 70 तक पहुँच चुके थे, इतने पोस्ट बैलेट में हम लोग जीत रहे थे। अचानक ये तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, हरियाणा में तो उलटफेर हुआ ही है, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगने जा रही है और कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह जो है उसे और बढ़ाते दिखेंगे। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। विजय, जीत हासिल करते आप दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में, अब जश्न मनाना शुरू कर दिया है, थोड़ा इंतजार करेंगे या अब किसी इंतजार की, किसी विलंब की कोई वजह बची नहीं है हरियाणा में? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जीत भी जनता की है और जनता के लिए हमने काम किया है, तो इसमें क्या है जो जश्न मनाने, अभी मैं सुन रहा था दूसरे चैनल पे बैठा था, किस तरह से इन्होंने जनता को गाली देनी शुरू कर दी है। सुभाषिनी जी को मैं सुन रहा था अभी, किस तरह से वो अनर्गल आरोप लगाने लग जाती हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखिए इनकी सीटें कितनी है, NC की तब भी ज़्यादा है, तो इनका जो है रोना ये मेरे समझ से परे है। अगर कहीं भी ये हारते हैं तो अपने को कमियों को दूर नहीं करते हैं, ये चुनाव आयोग के ऊपर, आप EVM के ऊपर, किसी और रणनीति के ऊपर, ये कैसी बातें करते हैं भाई? जनता की बातें सुनो ना आप, आप जनता को समझ ही नहीं पाए, ये जनता को जनता की सेवा नहीं करते, डाइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं। हमने किसान का, जवान का, नौजवान का, महिलाओं का, सबका ख्याल रखा है हमने, हमारी आप योजनाएं देखेंगे, हर तबका हमारे से खुशी था और सबके लिए हमने सेवा की, हमारा जनता के साथ गठजोड़ था, हम जमीन पर काम कर रहे थे और ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के काम कर रहे थे, तो जनता तो फैसला देगी। कांग्रेस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ये मजबूरी है विजय भाई, छोटा सा ब्रेक। हरियाणा में बड़ा उलटफेर, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, वहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सरकार बनाने के कगार पर है, 5 वहां नॉमिनेटेड विधायक भी होंगे तो आंकड़ा 90 की विधानसभा है, 95 हो जाता है वो आंकड़ा, तो 46 बहुमत का आंकड़ा नहीं है वहां पर, दरअसल 48 बन जाएगा बहुमत का आंकड़ा और 46 पर हैं इस वक्त कांग्रेस NC का गठबंधन, तो वहां भी झोल या देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, उसका इंतजार करना पड़ेगा क्या?